हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे खिचड़ी। तो बंगाली टाइप का खिचड़ी दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने ये चावल, दो प्रकार के दाल, प्याज, अदरक, हरी सब्जी, मिर्ची ले लिए हैं, लहसुन। तो अभी हम बड़े से पतीला में पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे, नमक हल्दी डाल दिए, ये सब हमने धो लिया है, कट के चावल भी धो लिया है। अभी इसको हम डाल देंगे, इसमें दाल को भी डाल देते हैं, सब्जी को भी डाल देते हैं। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़े देर के लिए ढक देंगे। अभी देखो हमारा जो है चावल पक गया है। उसके बाद हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, इसे हम मिला लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची भी पीस के डाला है हमने। तो ये देखिए चावल जो है मेरा पक चुका है। अभी एक छोटी सी पतीला में हम तड़का लगाने के लिए ऑयल डाल दिए, 5 फोड़न, नमक हल्दी है, सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता। अभी जो है टमाटर हम डाल दिए हैं इसमें। दो कटी हुई प्याज से हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। तेज पत्ता, बहुत ही इजी है ये बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये पेट भी भर जाएगा आपका और बहुत हेल्दी भी है। तो इसे हम अभी तड़का लगाएंगे। बिल्कुल हमने ऑयल बहुत ही कम डाला है इसमें। तो अभी हम इसको मिला लेंगे। तो मेरा जो खिचड़ी है लगभग तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही सुंदर दिख रहा है।